बहराइच के नानपारा सर्कल के सीईओ राहुल पांडे के निलंबन की मांग को लेकर भीम आर्मी आंदोलित है। भारी संख्या में कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस विरोधी नारे लगाए। उनका कहना है, अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व में पंचशील झंडे को हटाकर वहां पर भगवे रंग का झंडा लगाया गया। इसके बाद भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचे और प्रदर्शन किया। उनका कहना है, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, बावजूद आरोपियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, ना ही वहां से भगवे रंग के झंडे को हटाकर पंचशील झंडे की पुनर्स्थापना की गई। वहीं उन्होंने सीईओ नानपारा राहुल पांडे पर मामले में पक्षपात करने का आरोप लगाया। उनका कहना है, सीईओ राहुल पांडे द्वारा मामले में पक्षपात किया जा रहा, निलंबित किया जाए, अन्यथा वो सड़क पर जाम कर देंगे। वहीं किसी बात को लेकर भीम आर्मी के भानु प्रताप क्षेत्राधिकारी नगर राजीव सिसोदिया के बीच झड़प हो गई। इसके बाद मामले को शांत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा समेत तीन थानों के फोर्स मौजूद रहे। बहराइच से दैनिक भास्कर के लिए कुतुब अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम संतोष कुमार राज है और मैं भीम आर्मी का देवी पाटन मंडल अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मिहिपुरवा में अभी कुछ हफ्ते पहले पंचशील ध्वज को वहां से हटा दिया गया था, वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया गया था, जहां पर लिखित में शिकायत भी की गई थी, मुस्लिम औरतों से मारपीट भी की गई थी, लेकिन वहाँ के सीईओ महोदय ने अभी तक ना मुकदमा पंजीकृत करवाया और ना ही वहाँ पर जो है पंचशील को पुनः वहाँ पर स्थापित कराया गया। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारी तीन मुख्य मांगे हैं कि उसको पूरा किया जाए, अगर नहीं होती तो उसके बाद हम लोग जो रोड जाम करने का काम करेंगे। पहला हमारा ये है कि सम्मान पूर्वक वहाँ पर पंचशील ध्वज को स्थापित कराया जाए, साथ ही वहाँ का जो सीईओ है वो बहुत ही जातिवाद और मनुवादी किस्म का है, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया था, उसको वहाँ से निलंबित किया जाए। और तीसरा हम FIR जो दोषी हैं उनके ऊपर FIR करके हमको FIR कॉपी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। राहुल पांडे जो बहुत ही मतलब जातिवाद दूसरी मानसिकता का है, जो महिलाओं को नहीं समझता कि ये स्त्री इनके सम्मान करना चाहिए, उनकी पुलिस मौके पर जाती है, महिलाओं के साथ बदतमीजी करती है, जब वीडियो बनाया गया तो वीडियो को डिलीट करवा दिया गया और शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अन्यथा क्या, अभी तो आप मिहिपुरवा में देख ही चुके हैं, बहराइच में थोड़ी देर में देखेंगे। अगर हम लोग अभी आपस में लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस रोड को जाम करेंगे, क्योंकि हमारे मांगे अगर वहाँ नहीं मांगेंगे, आज हम इसलिए मुख्यालय पर आए हैं कि सीईओ साहब को निलंबित किया जाए।